गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक 2.4 एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टूडेंट्स। इस ये जो एक्सरसाइज है 2.5 आपकी, इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज दी हुई हैं। हम ऐसा करते हैं कि एक साथ सबको ना पढ़ करके कुछ आइडेंटिटीज को पढ़ते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी चार मेन आइडेंटिटीज है। नंबर एक है एक्स प्लस वाई इसका होल स्क्वायर। तो हम 8 क्लास में भी हमने ये पढ़ा होगा और फिर पढ़ेंगे हम इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये आपकी पहली आइडेंटिटीज है। दूसरी है हमारी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तीसरी है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। और 4 है इसकी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, क्या होती है वो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी। अब क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 10। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो आइडेंटिटीज लिखवाई हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी से हो सकता है, क्योंकि उसी के जैसा है ये x प्लस 4 x प्लस 10, यानी कि यहाँ अलग है यहाँ अलग है। तो हम इसको x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी से करेंगे। क्या होती है वो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और ए बी। अब क्या करेंगे आप, एक्स तो आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा, ए प्लस बी यानी कि ए की जगह आप रख सकते हैं 4 और बी की जगह रख सकते हैं 10। तो ए प्लस यानी कि 4 प्लस 10 और एक्स आपका एक्स ही है, और 4 इंटू 10 से मतलब ए की जगह 4 रख दिया आपने और बी की जगह आपने 10 रख दिया, तो आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना हो गया 14, एक्स और 4 10 द 14। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा भी ऐसा ही है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, x माइनस x प्लस 8 और x माइनस 10, ये तो दिए हुए हैं। इसको भी हम इसी आइडेंटिटी से कर सकते हैं, कैसे, x प्लस ए और x प्लस बी से देखेंगे कैसे होगा। ये देखिए ये क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए बी, ठीक है। अब इसे इधर कर लेंगे, देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहा आपका, ए कितना है आपका यहां पर, ए जो है वो आपका 8 है, तो यह हमने 8 रख दिया, अच्छा। और बी कितना है आपका माइनस 10, तो यहां हम इसको क्या रखेंगे माइनस 10, ठीक है। और यहाँ हम शायद यहाँ हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे ताकि दिक्कत ना हो। और अगला क्या स्टेप है हमारा, ए इंटू बी, ए की जगह रख देंगे हम, कितना है आपका ए 8 है मल्टीप्लाई माइनस 10, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर 8 प्लस का है, माइनस का कितना आ गया यहाँ पर 10, 8 माइनस 10 हो गया, ये इंटू यहाँ पर x लगा देंगे इंटू एक्स और 8 टेन द 80 प्लस माइनस माइनस 8 टेन द 80, ये माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर 8 में से 10 माइनस करें तो माइनस के बचे 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। ये अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपका 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा उसी आइडेंटिटी से हो जाएगा,
कौन सी चीज है, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस एक्स प्लस बी से। तो क्या फॉर्मूला बनता है इसका, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स ए बी। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर की जगह तो आपका एक्स स्क्वायर ही आ गया। अब आप देखिए, सॉरी एक्स स्क्वायर की जगह आपका आएगा एक्स, एक्स जगह यहाँ पर कितना दिया हुआ है थ्री एक्स, तो यहां लगा देंगे हम थ्री एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी, ए की जगह लगा देंगे फोर और प्लस बी यानी कि बी माइनस फाइव। ठीक है, और एक्स की जगह फिर से थ्री एक्स और ए मल्टीप्लाई बी, ए की जगह आपका फोर है मल्टीप्लाई माइनस फाइव। ठीक है, अब देखिए थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन, नाइन एक्स स्क्वायर आ गया ये, प्लस फोर माइनस फाइव कितना बचा माइनस का वन, माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस की वन से मल्टीप्लाई कर दी। अभी आप इसे ऐसे रहने दो, यहाँ आपका बचा माइनस वन और बाहर है आपका थ्री एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करी हमने फोर फाइव द माइनस ट्वेंटी ये आ गया। अब आप देखिए नाइन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स और प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी, ये आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। पहले का थर्ड पार्ट भी हो गया, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है भाई, फोर्थ पार्ट में कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है आपका वाई स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू और वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई टू। तो देखिए एक बार y के साथ 3 बाई टू प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो बिल्कुल एट क्लास में जैसे हमने एट क्लास में किया है कि एक बार a प्लस बी है ये और एक बार ये क्या है a माइनस बी। तो हमें जैसा कि दिख रहा है इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए की जगह कितना है वाई स्क्वायर है, ए की जगह लगा देंगे हम क्या वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा थ्री बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो पावर पे पावर लगी तो ये हो गई वाई की पावर फोर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन और टू का स्क्वायर फोर। इस तरीके से ये आपका थर्ड पार्ट भी हो, थर्ड ये था सॉरी ये हाँ थर्ड ये आपका फोर्थ पार्ट था, ये फोर्थ पार्ट भी आपका हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। देखिए क्या है फिफ्थ पार्ट में क्या है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट थ्री माइनस टू एक्स और थ्री प्लस टू एक्स। तो ये भी हमारा उसी आइडेंटिटी से हो जाएगा जिससे अभी हमने किया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये आपका a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है और तो ए की जगह आपको कितना है थ्री इसका स्क्वायर कर देंगे, बी की जगह कितना है टू एक्स इसका स्क्वायर कर देंगे, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट द मल्टीपल डायरेक्ट। कह रहा है इन नंबर किया, इन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बताइए, लेकिन आपको करना क्या है आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है डायरेक्ट, आपको क्या करना है कोई आइडेंटिटी लगाना है और उसके बाद इसका आंसर निकालना है। ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे क्लास की तरह आपने क्या करा और डाया मल्टीप्लाई करके लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है, कोई आइडेंटिटी यूज करते हुए इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे सामने है 103 और 107, क्या करेंगे इसमें, हमने लिख लिया 103 मल्टीप्लाई 107, हमें सीधे सीधे उसी आइडेंटिटी पे पहुंचना है जिसको हम जिससे हमने शुरुआत करी थी। कौन सी शुरुआत करी थी, x प्लस ए और x प्लस बी, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर हम यहाँ इसको 100 प्लस 3 लिख लें और इसको लिख लें 100 प्लस 7 तो ये सेम आइडेंटिटी वही बन जाएगी। तो इसको हम देखिए क्या हो सकता है, इसमें ये x की जगह आ गया आपका और ये a हो गया यानी कि ये x हो गया, ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूले में से लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होगा इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने 100 क्योंकि एक्स हमारा कितना है 100 है
प्लस ए की जगह लिख दिया फिर से हमने 100, सॉरी ए की जगह 100 नहीं, ए की जगह हमने लिख दिया 3 और बी की जगह लिख दिया 7 और एक्स की जगह फिर से हमने 100 लगा दिया। ए कितना है 3 और 3 और बी कितना है 7। तो आप देखिए ये हो गया आपका 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, 37 कितना हो गया 10 की मल्टीप्लाई इससे करी आ गया 1,000 और ये आ गया 21। इन सबको हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारा आएगा 21, फिर आ गया आपका एक 0, 3 नंबर हो गए, चौथे नंबर पर फिर 1 है, फिर 1 है, ये आ गया आपका 11021। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या है 95 और 96। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी ऐसे ही हम कर लेंगे, इसमें लिख लेंगे 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। इसमें आप काम क्या करना है, आपको इसको लिखना है इस तरीके से 100 प्लस माइनस 5, ठीक है, और 100 प्लस माइनस 4। आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमने इसे बीच में प्लस लगाना, प्लस शो करना जरूरी था। अब हमने क्या करा, इसको x प्लस ए और x प्लस बी वाले फॉर्मूले से इसको कर देंगे। तो क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। अब देखिए आप एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ए आपका है -5, बी कितना है -4 और एक्स कितना है आपका 100, ये आ गया आपका, और प्लस ए कितना है -5 और बी कितना है -4। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका 10,000। ठीक है, अच्छा -5 -4 कितना हो गया -9 और -9 के 100 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया -900 और -5 फॉरवर्ड 20 -माइनस प्लस, ये प्लस का 20 आ गया। इसको ऐड कर लेंगे 10020 -90, इसमें से 900 जो है माइनस कर देंगे तो आपका आ गया। अब यहाँ पर है आपका, यहाँ एक चला जाएगा 10 में से 9 गया 1 बचा और ये बचा 90 9120, ये इसका आंसर आ गया। आपका आंसर यहाँ लिख देते हैं 9120 क्योंकि उधर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं तीसरा 10696। इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसमें हम कर सकते हैं 100 प्लस 4 कर सकते हैं इसको, और इसको कर सकते हैं 100 माइनस 4। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो क्या आएगी आपकी, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी इसमें लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये। तो आप देखिए इसको हम ए स्क्वायर यानी कि 104 का स्क्वायर, इसको एक बार प्लस कर दिया, इसको एक बार माइनस कर दिया, 100 का स्क्वायर आ गया आपका माइनस, ये आ जाएगा आपका 96 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना आ गया 10,000 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इससे घटा माइनस कर देंगे 84 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें।